चलिए आज एक और अपनी नई स्टूडेंट से मिलते हैं, निकिता से, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। और निकिता का इस साल सीयूटी के थ्रू जेएनयू में सिलेक्शन हुआ। तो निकिता, सबसे पहले जेएनयू कैंपस के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी बच्चे जो सेशन देख रहे हैं, मैं बता दूं कि निकिता इस समय जेएनयू कैंपस में अपने हॉस्टल के रूम से ये इंटरव्यू दे रही है। तो निकिता, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कई बच्चे एक्चुअल में, निकिता क्या होता है, देखिए एक हमारा होता है टारगेट निमसेट, पर निमसेट में क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं कई बार नहीं जा पाते हैं। तो उसके बाद फिर ऑप्शंस आते हैं कि डीयू में जाएं, जेएनयू में जाएं, बीएचयू में जाएं, या फिर कहाँ जाएं, और कई बार बहुत कंफ्यूज होते हैं। नो डाउट कि जेएनयू कैंपस बहुत अच्छा है, तो इसके बारे में कई सारी चीजें बच्चे जानना चाहते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्या सोचा था, और वेस्ट बंगाल से फिर आपने क्योंकि पढ़ाई करी जुड़ के इम्पिटस के साथ, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, आपकी पूरी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या थी? सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा बीएससी केमिस्ट्री से था। तो मेरा तो 3 साल कुछ भी मैथ से कुछ भी ये नहीं था, कनेक्शन नहीं था। तो जब मैं ड्रॉप ली तो मुझे इम्पीटस गुरुकुल के बारे में यूट्यूब से पता चला। मैं एक्चुअली यूट्यूब से पहले क्लासेस भी करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अक्टूबर में एम बैच था मेरा, एम बैच में मैं ज्वाइन की थी, मतलब टेस्ट सीरीज भी था और वो क्लासेस भी थी। तो फिर वहां से की, और मेरा जो भी मैथ्स मैं 3 साल में भूल गई थी वो सब आपने ही करवाया है, बहुत ही अच्छे से करवाया। और आपका ही कौन, मतलब जो डीपीटी थी उसे ही सॉल्व करते थे, मैंने कुछ भी बुक नहीं लिया था। ऐसे तो टारगेट था मेरा भी कि इम्पीट ये है, क्या बोलते हैं, निमसेट से करेंगे, बट मेरा निमसेट में नहीं हो पाया क्योंकि पेपर हार्ड था, थोड़ा बैलेंस नहीं कर पाया अपने आप को, तो उस वजह से नहीं हो पाया। सीयूटी 3 दिन पहले ही था तो सीयूटी का मॉक भी हम नहीं दिए थे। आपके टेस्ट सीरीज में मॉक थी बट मैं नहीं दी थी क्योंकि कुछ दिन में 3 दिन के बाद निमसेट था। तो जो भी मैंने किया है वो निमसेट की प्रिपरेशन से किया है। बिल्कुल सच बात है निकिता, मैं भी बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिफॉल्ट आप सीयूटी हुआ, सीईटी महाराष्ट्र हुआ, कोई भी एग्जाम हो, सबकी प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं। और क्योंकि निमसेट के 3 दिन पहले था सीयूटी और आपने सीयूटी में भी अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, बच्चे अक्सर ये जानना चाहते हैं कि आपके सीयूटी में क्या मार्क्स है, किस मार्क्स पे आपको जेएनयू मिला। तो इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, उसके बारे में भी बताइए आप। और क्योंकि आप 3 साल देखो मैथ्स के टच में नहीं थे, फिर भी आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छा परफॉर्म किया सीयूटी में, तो इसके बारे में आप बताओ। मेरा मैथ्स मतलब पार्ट ए में 28 मार्क्स था और पार्ट बी में 151 मार्क्स था। वो जेएनयू तो पार्ट बी ही कंसिडर करते हैं, जी उससे ही मेरा हुआ है। यहाँ पर पेपर सीयूटी का भी टफ आया था इस बार, थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेंट था, मतलब हार्ड था, आउट बिल्कुल ऑफ सही, कंटेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि पीवाई के भी क्वेश्चन थे निमसेट के उसमें, लेकिन हार्ड था बोल करके थोड़ा कट ऑफ कम गया है इसमें। अच्छा आप ये बताओ, आप जेएनयू कैंपस में जाके आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे यहाँ आए हुए 15 दिन तो हो गया है, बहुत सही लग रहा है, क्लासेस भी कर रही हूँ, बहुत सही लग रहा है, टीचर्स भी, फैकल्टी भी बहुत अच्छी है और मेरे यहाँ सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं। आपको यहाँ पे बहुत ही सही एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको अपने सीनियर से कभी भी कॉन्टेक्ट करना, किसी को भी आप मैसेज करो आपको वो सामने से रिप्लाई करेंगे, कॉल करेंगे, आपसे आपकी जो भी डाउट होगी वो क्लियर कर देंगे। तो एक्चुअल में जेएनयू कैंपस की सबसे अच्छी बात है मेरा कि भी बहुत बड़ा कैंपस है, वो बहुत ही अच्छा कैंपस है, फी जी बिल्कुल सर, नॉमिनल है और बहुत सारी एक्स्ट्रा हाँ फैसिलिटीज हैं। हाँ सर, यहाँ पर है कि आपको, आप टीचर से भी उनके कैबिन में जाके क्वेश्चंस पूछो, वो आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, ये नहीं कि अभी नहीं आज नहीं ऐसा नहीं। और अभी मैंने देखा, अभी हमारे इम्पिटस के कुछ बच्चे जो सुपर सीनियर हैं आपके, उनके प्लेसमेंट्स भी हो गए और अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। तो जेएनयू भी हाँ एक अच्छा कैंपस है और आप इंटायरली आप उसको आप इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत कुछ आपको सीखना है यहाँ पर और एक अच्छा प्लेसमेंट भी लेना है। तो निकिता सबसे पहले ये बताओ, जैसे आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था तो आप अपने जूनियर्स को, क्योंकि मतलब था तो मैथ्स बैकग्राउंड पर आप 3 साल टच में नहीं रहे, तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो मैथ्स को लेकर डरते हैं, और उनको प्रिपरेशंस के लिए क्या क्या चीजें हैं जो मेनली याद ध्यान रखनी चाहिए? मैं तो जूनियर्स को ये बोलूंगी कि आपके पास कोई भी अल्टरनेशन नहीं है हार्डवर्क के अलावा, कंसिस्टेंसी के अलावा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है अपनी। और आप अगर आप इम्पीटस ग्रुप से जुड़ रहे हो तो आपको तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, सर जो बोल रहे हो उसे ब्लाइंडली फॉलो करो, उनका डीपीटी सॉल्व करो, वो जो पढ़ा रहे हो वो पढ़ के रखो पहले से भी और उनके पढ़ाने के बाद भी उसे पढ़ो, ताकि आपको हमेशा वो दिमाग में रहे। और मॉक टेस्ट सीरियसली दो, पीवाईक्यू सारे लगाओ, क्योंकि पीवाईक्यू इस बार ही हमारे पीवाईक्यू से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ गए थे 2023 में, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट।
तो बिल्कुल सही आपने बताया। और अब निकिता मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप जेएनयू कैंपस में ऐसे ही खूब अच्छा परफॉर्म करो, एक अच्छा प्लेसमेंट लो, और जब प्लेसमेंट लोगे तो फिर मैं आपको बच्चों से मिलवाऊंगा और ऐसे ही खूब आगे बढ़ो। थैंक यू एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।